हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस आज हम जा रहे हैं जुम्मा बाजार, देखते हैं जुम्मा बाजार में आज हमें क्या क्या मिलता है। असल में अगले जुम्मे को मम्मा गई थी, वहाँ पर जाके मम्मा ने कहा कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो अभी हम वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं वहाँ वॉइस तो नहीं दे पाऊँगी, वॉइस धरा के दूँगी, मगर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या हमें मिलता है। ठीक है, तो चलें बाजार। तो गाइज हम बाज़ार पहुंच गए, ये चेक कर ले, यहाँ से हमें थोड़ा सा ऊन वगैरह लेना था और छपाई वाले से कपड़े लेने थे, मगर छपाई वाला हमें मिला ही नहीं, वो था ही नहीं, उस शादी में गया हुआ था, तो हमने वहाँ से फिर कपड़े वगैरह नहीं लिए। फिर वहाँ से हम चले आगे, आगे हमें बाज़ार जाना था, हम बाज़ार की तरफ जा रहे थे, बहुत थोड़ा सा रश भी था। ये चेक कर ले, चप्पलें बहुत प्यारी प्यारी मिल रही थी और बहुत ही सस्ती मिल रही थी, ठीक है, 300-400 इसी रेट में ये चप्पलें मिल रही थी, मगर मुझे नहीं लेनी थी। और ये फिर हम आ गए सूट पे, यहाँ पे भी बहुत ही सस्ते और रिजनेबल प्राइस में सूट मिल रहे थे, मतलब 1000-1000 रुपीज़ में 3 पीस सूट, 1200 में 1100 में ऐसे मिल रहे थे, मगर यहाँ भी हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, हमने लिए नहीं, सिर्फ देखे। और ये चेक कर लेंगे, यहाँ पे मिला था चादरों का कपड़ा, और ये चेक कर लें ये गरारे का कपड़ा, कितना कोई प्यारा लग रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मगर ये बहुत महंगा मिल रहा था, ये 3 पीस फ्रॉक समेत पड़ रहा था 6000 का ना, तो मुझे ये इतना वर्थ इट नहीं लगा ना, 6000 का तो हम बाज़ार से सूट बना बनाए ले सकते हैं। ये फिर इसने एक और कलेक्शन दिखाई कि ये वाली अभी न्यू आई है, ये आप देखें, इसमें ये 7000 का पड़ रहा था 3 पीस फ्रॉक वगैरह सब समेत, मगर मुझे ये भी इतना ख़ास नहीं लग रहा था। ये देखें, ये वाला मुझे प्यारा लगा था, मगर पैसे बहुत ही ज़्यादा थे ना भाई, पैसे कम कर नहीं रहा था। तो हम वहाँ से चले गए चूड़ियों वाली दुकान पे, चूड़ियों वाली दुकान पे तो हमें इतनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ मिल गई, मलाइका को चूड़ियाँ पसंद है और हमें भी लेनी थी ईद के सूट के लिए। ईद के टाइम ना बहुत ही महंगी चूड़ियाँ मिलती है, मैंने ली हुई है ना, अगले साल मैंने ईद के टाइम ली थी, मुझे इतनी कोई महंगी चूड़ियाँ पड़ी थी, अम्मी भी मुझे डांट रही थी कि तुमने मतलब 4-5 हज़ार की तो खाली चूड़ियाँ चूड़ियाँ ले ली, ये सारे 50-50 हज़ार रुपये वाले बंडर थे, ठीक है। हमने इसमें से ये लिए जो हमें लेने थे, ठीक है, उसके बाद फिर ये भी देख रहे थे हम, मगर हमें इसमें इतनी ख़ास पसंद नहीं, ब्लैक ली, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई। और यहाँ पे कपड़े ले रहे थे हम, और ये छत पता नहीं क्यों दिखा रही है सना, मुझे नहीं पता, शायद उसने कैमरा ऐसे रख दिया। और ये चेक कर लें, यहाँ से हमने लिए, मुझे प्लेन कपड़ा चाहिए था, थोड़ा प्रिंटेड चाहिए था, वो देख रहे थे हम कि वो है या नहीं है। और इसके पास भी अच्छी वैरायटी थी, मगर इतनी ख़ास नहीं थी, बहुत महंगे 1800-1800 के सूट दे रहा था, तो यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया। यहाँ आ गए फिर हम, यहाँ से हमें शरारे का कपड़ा लेना था, और गाइस ये देखें शरारा कितना प्यारा लग रहा था, ये चेक कर लें, यहाँ पे ना ये पड़ी थी, मुझे ये वाली जैकेट अच्छी लगी, मगर जब मैंने इसको देखा तो ये इतनी ख़ास नहीं थी, तो हम उससे फिर आगे चले गए, आगे भी हमें कपड़े देखने थे। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब जुम्मा बाज़ार बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ था, हम लोग फर्स्ट टाइम पे गए। ये देखें, इसके बाद मुझे एक सूट अच्छा लगा था, ये वाला जो सामने दिख रहा है ना पिंक कलर का, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, मगर फिर मैंने नहीं लिया, पता नहीं क्यों नहीं लिया, मुझे लेना चाहिए था ये। फिर हम आ गए यहाँ पे, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे सूट मिल रहे थे, मगर हमारे टाइप के फिर भी नहीं थे, हम जैसे पहनते ना लोन के सूट वैसे नहीं थे, बाजारू टाइप के थे। फिर यहाँ से हमने लिया गरारे का कपड़ा, जो मैं अब आपको आगे जाके दिखाऊंगी, सना ने ये वाला लिया है, मैंने गोल्डन लिया है, दोनों हमें 1000-1000 रुपये के पड़े, ठीक है, गरारे के कपड़े, अब जब बनवाएंगे, जब स्टिच होंगे पहनेंगे ना, तब आपको दिखाएंगे, ये बहुत चल रहे हैं ना आजकल। फिर यहाँ पे लेसें वगैरह हर चीज़ ही मतलब प्यारी थी ना, तो यहाँ पे हमने हार सेट वगैरह देखे, सना को ये वाली दुकान इतनी पसंद है क्योंकि यहाँ पे हार सेट बहुत ही प्यारे होते हैं ना, अभी शादी के हिसाब से हमें लेने थे, मगर अभी शादी का टाइम नहीं है, तो शादी का टाइम आए तो फिर मैं लूँगी यहाँ से, मुझे बहुत प्यारे लगे हैं इधर सेट। सना कह रही थी मुझे ईद के लिए भी लेना, शायद वो भी ले। और ये चेक कर ले, ये सिल्क टाइप का कोई कपड़ा था, ये भी मिल रहा था बहुत ही सस्ते प्राइस में, मैंने कहा ये भी देख लेती हूँ चलते चलते, तो हमने बस यहाँ से सामान लिया, मतलब हर चीज़ की वैरायटी थी यहाँ पर, शूज़ हो गए, लेसे हो गई, कपड़े हो गए, यहाँ पे मुझे खुद से अच्छे लग रहे थे, मगर फिर मैंने सोचा हम खुद से इतना पहनते नहीं हैं, हमारे ज़ाया ही जाते हैं हमेशा खुद से ना, तो फिर हमने वो फिर नहीं लिए ना। यहाँ पे ना जेंट्स सूट बहुत प्यारे मिल रहे थे, जेंट्स सूट की वैरायटी बहुत प्यारी थी, मतलब हर चीज़ की वैरायटी अच्छी थी यहाँ पे, तो बुरखे भी बहुत प्यारे प्यारे थे, बुरखों की भी अच्छी सेल लगी हुई थी, मतलब हर चीज़ जुम्मा बाज़ार में मिल रही थी। हम पहली दफ़ा गए और पहली दफ़ा हमें इतनी कोई प्यारी चीज़ें मिली है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बस फिर यहाँ से फिर ये क्या है टेबल, ये यहाँ पे ना फ़राकें बहुत प्यारी है, मगर ना वो था नहीं जिसने लेनी थी, ये ग्रीन वाला सूट सना को बहुत प्यारा लगा था, सना कह रही थी ये लूँगी शायद सना ईद पर ले ऐसा सूट,
दूसरे कोई कलर में, मगर उस टाइम पे हमें इसके प्राइस नहीं पता चले क्योंकि भाई था नहीं शॉप पर। यहाँ से अम्मी बराबर में ज्वेलरी देख रही थी, तो हम इधर प्राइस वगैरह पूछने के लिए आए। लहंगा देखे कितना प्यारा लग रहा है रेड कलर का, काश मेरी शादी और फिर मैं ये लूँ, है ना। फिर हम आ गए ये मेकअप वाली शॉप पर। यहाँ से मुझे लेना था फेस वाश अपना और लेना था ब्लीच वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें लेनी थी ना, तो वो यहाँ से हमने ली। और सना को वाह हो जो सना ने ये वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी सना वीडियो बनाई है आपने। तो यहाँ से बस यही दिखा रही है, ये डब्बे 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 डब्बे। यहाँ से बस हमने दो तीन चीज़ें ली, उसके बाद फिर हम वापस एक कपड़े वाली दुकान पे आ गई, हमारी लास्ट शॉप थी, ठीक है। यहाँ से मुझे लेने थे पेज के लिए सूट, ठीक है। यहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ पेज के लिए सूट, लाइनिंग वाला कपड़ा भी इसके पास होता है, हर वैरायटी होती है। तो यहाँ से मैंने 10-15 सूट लिए। गाइस हम बाज़ार से आ गए थे शॉपिंग वगैरह करके, तो मैंने क्या मैंने आपको दिखाई तो है ही नहीं शॉपिंग, तो अभी हम चलते हैं रूम में। रूम का हाल थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि रूम में ऐसे ही हुआ पड़ा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ बहुत कबाड़ा हुआ पड़ा, मैं रोज़ सफाई करती हूँ, रोज़ ऐसे हो जाता है। ये ओपन करो मलाइका, ये ओपन करिए, जब तक मैं आपको ना चूड़ियाँ दिखाती हूँ। लॉक खोलूँ इसका, असल में ना यहाँ की सफाई करनी बाकी है, करूँगी सफाई, टाइम नहीं मिल रहा मुझे, टाइम की बहुत कमी, शिद्दत कमी है, काम बहुत है टाइम ज़्यादा है, ठीक है। ये मैं दो चूड़ी के सेट लाई हूँ, वहाँ पे चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिल रही थी, आपने जैसे देखी दुकान, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितनी प्यारी चूड़ियाँ लेके आई हूँ। ये चेक कर लें, ये वहाँ पे ना मुझे 50-50 के बंडल मिले, कितने प्यारे हैं देख लें आप। ये फिर हम अलग अलग ले आए क्योंकि सूट में कोई भी चल जाता है ना तो उसमें, और मलाइका भी पहन लेगी। ये मेरा है, ये मेरा है, ये दोनों मेरे हैं, एक इसमें से मलाइका का पता नहीं कौन सा है वो, और बाकी ये मलाइका के हैं, ये भी मैं पहन सकती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था वैसे ये मलाइका का, ठीक है। और ये हम लेकर आए ईद की चूड़ियाँ, खोलिए उसको ओपन कर, ये ईद की चूड़ियाँ लाएँ, ब्लैक हमारे सूट हैं ईद के, तो ब्लैक चूड़ियाँ लाएँ हम। और ये वाले हमारे शबरात के सूट हैं, मगर ये हमें थोड़ी मिली है ना, ये पता नहीं कौन से इसमें से एक है, शबरात वाले, शबरात वाले नहीं देखी तूने अपनी चूड़ियाँ। गाइस मैं ये खोलूँ फिर दिखाती हूँ, मेरे में फ़र्क नहीं दिख रहा, मगर ये काली हैं और ये हमारे शबरात जैसे जोड़े के, मगर ये मिली सिर्फ मलाइका की ना, बाकी ये हमारी ईद की मिल गई। ये बहुत सस्ती मिल रही थी ईद पे, मैंने ली थी 4-5 हज़ार की चूड़ियाँ पड़ी थी, और ये दो डब्बे हमें मेरे ख्याल 1200 तक के पड़े हैं, इतनी सारी चूड़ियाँ, तो हम ये ले आए। और मैं लाई हूँ गरारे का कपड़ा, ठीक है। मुझे इसका ना गरारा बनाना था, ऑनलाइन मैंने देखा था ये वाला कपड़ा, इस पर ना इतना कोई प्यारा लग रहा है गरारा, तो फिर इसलिए ये सना ने लिया ये वाला, और ये गोल्डन मैंने लिया, ठीक है। अब इसकी कुर्ती वुर्ती लाएँगे, फिर इसको अच्छे से करके बनवाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे लगता है। बस हमने यही शॉपिंग की थी, उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत अच्छी आने वाली है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।